नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गार्डनिंग टूल के बारे में। हमारे कुछ दर्शक हैं, उनके लगातार डिमांड आ रही थी कि सर एक गार्डनिंग टूल के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाओ, इसलिए आपके लिए स्पेशल गार्डनिंग टूल का लेके आए हैं हम। और आप आज की वीडियो में आपको बताएंगे गार्डनिंग टूल क्यों ज़रूरत है गार्डनिंग टूल की, और कौन कौन से गार्डनिंग टूल हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। आज की वीडियो में आपको गार्डनिंग टूल के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों गार्डनिंग टूल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है इस ट्रिगर प्रेशर स्प्रेयर की, यानी कि अगर आप यहाँ से प्रेस करोगे तो ये अपना काम करेगा। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार वर्क करता है। अगर बात की जाए तो मार्केट में 20-25 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर इस स्प्रेयर की अगर हम बात करें तो ये स्प्रेयर जो हमारे इनडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इससे आप उन पत्तों के ऊपर पानी डाल सकते हो, न्यूट्रिशन का स्प्रे कर सकते हो, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद बात आती है जो ये प्रेशर बेस्ड स्प्रेयर होता है इसकी। अगर आपके पास 30 से 40 गज का अगर आपके प्लॉट के अंदर आपके गार्डन आपने बनाया हुआ है, आपका पार्क है, तो उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी जगह के लिए ये उपयुक्त नहीं है। आप इसको यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा और ये यहाँ से अपना काम करेगा। आप इस तरह इस पौधे के ऊपर स्प्रे और कर सकते हो। दोस्तों इसके साथ एक मेजरमेंट के लिए ये माप दिया हुआ है कंपनी ने साथ में, तो इससे आप अपना जो भी पेस्टिसाइड है उसको माप सकते हैं। दोस्तों उसके बाद बात आती है ग्लव्स की। अगर आप गार्डनिंग में इंटरेस्टेड है तो आपके पास ग्लव्स होना आवश्यक है, क्योंकि जब भी आप अपने गार्डन में काम करते हो तो आपके हाथों के ऊपर इन्फेक्शन का खतरा रहता है और मिट्टी लगने का खतरा रहता है। इसलिए आप इस प्रकार के ग्लव्स अवश्य लेकर आएँ जब भी आप गार्डनिंग में कुछ इस प्रकार का अगर आप काम करोगे तो उसके लिए जो आपका आपके ग्लव्स है आपके हाथों को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर ग्लव्स की बात की जाए तो 40-50 रुपए में आपको मार्केट से आसानी से आपको ग्लव्स मिल जाएंगे। दोस्तों इसके बाद बात आती है निराई गुड़ाई के लिए। जब भी हम गार्डनिंग में कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसकी निराई गुड़ाई आवश्यक है। इसके लिए आपको इस प्रकार का खुरपा लेना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो, आप इस प्रकार जो आपका पौधा है उसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद बात आती है एक जो स्पेशल हमारी टूल किट होती है जो आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। अगर मार्केट में आपको आसानी से नहीं मिले तो आप ऑनलाइन इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको मार्केट के लिए ही रिकमेंड करूँगा आप मार्केट में परचेज करें, क्योंकि मार्केट में ये किट आपको 200-250 रुपये के आसपास मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेज करोगे तो ये 550 रुपये के आसपास आपको मिलेगी। इसलिए आप मार्केट से परचेज करें। इस किट टूल किट के अंदर दोस्तों ये पांच जो हमारे टूल है ये आते हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आता है ये ट्रोवल। दोस्तों इसको ट्रोवल बोलते हैं। अगर ट्रोवल की बात की जाए तो इसका जो हमारे निराई गुड़ाई के लिए काम आता है, इस प्रकार आप जो आपका निराई गुड़ाई के लिए आप इसको प्रयोग कर सकते हो। प्लस दोस्तों इसका जो सेकेंड काम क्या है, जब भी आप सीडलिंग करते हैं, आप मान लीजिए किसी पॉलीथीन के अंदर अपना पौधा तैयार करते हैं, या फिर जो सीडलिंग की ट्रे आती है प्लास्टिक की, उसके अंदर अगर आप अपना जो पौधा है वो तैयार करते हैं तो उसके अंदर मिट्टी डालने के लिए ये सबसे उपयुक्त रहेगा, क्योंकि जो हमारा खुरपा है उससे मिट्टी नहीं डाल सकते, इसके द्वारा हम ऐसी मिट्टी डाल सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए, ये सेकेंड ट्रोवल है, ये साइज में थोड़ा छोटा होता है लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो इसका भी ठीक उसी प्रकार से काम है। आप इससे भी जो है आप सीडलिंग के लिए आपकी ट्रे और जो आपकी पॉलिथीन है वो भर सकते हो मिट्टी से, उसे यूज कर सकते हो। दोस्तों इसकी चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण इसमें एक बार में ज़्यादा मिट्टी आती है, इसलिए बड़े गमलों के लिए और बड़े पॉलिथीन के लिए इसको प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं जो हमारा थर्ड टूल है, ये है एक फोक बोलते हैं इसको। दोस्तों ये देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। दोस्तों ये इसको आप दो प्रकार से आप अपने जो आपका गार्डन है पार्क है उसमें प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको आप अपने गार्डन को खुदाई के लिए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं,
क्योंकि ये ज़्यादा सरफेस आपका एक साथ खोद देगा, और अगर आपका सरफेस हार्ड है तो वो उसको इजीली ऐसे खोद देगा। प्लस दोस्तों आप इसको सीडलिंग के लिए प्रयोग कर सकते हो, जब भी आप अपना कोई अपने गार्डन के अंदर, अपने पार्क के अंदर, अपने किचन गार्डन के अंदर स्पेशली अगर आप किसी चीज़ की सीडलिंग करते हैं, मान लीजिए आप पालक की सीडलिंग करते हैं और अपना धनिया की सीडलिंग करते हैं, तो आप अपने सरफेस के ऊपर इसको ऐसे जो आपकी पार्क है उसके अंदर ऐसे इसे लाइनें बना दीजिए और उसके अंदर आराम से बीज डाल दीजिए। दोस्तों इसके बाद बात आती है वीडर की। ये देखने में आपको अजीब सा टूल लगेगा, बीज के अंदर क्या खास है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टूल ये है दोस्तों वीडर। अगर कोई घास हार्ड घास है तो यहाँ से आप घास के यहाँ से लगा दीजिए और वो घास आसानी से उखड़ जाएगा। जैसे हमारा एक मकड़ा घास बोलते हैं हम, वो आसानी से नहीं उखड़ता हाथ से, तो इससे आप उसको उखाड़ सकते हैं। कोई आपको मान लीजिए पौधा उखाड़ना है तो पौधे की जड़ के पास आप इसको ऐसे करके पौधे को इजीली उखाड़ सकते हैं। प्लस दोस्तों इसका क्या काम है, प्लस जैसे ये हमारा ये गमला है, इसके अंदर कम जगह है, इसके अंदर अगर बात की जाए तो इसके अंदर हम ट्रोवल से और जो हमारा खुरपा है उससे निराई गुड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जगह बिल्कुल कम है। तो ऐसी जगहों के लिए, छोटे गमले के लिए बिल्कुल प्रयुक्त है, आप इजीली इसके अंदर निराई गुड़ाई वीडर के साथ आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात आती है इस टूल की। इस टूल को हम हैंड कल्टीवेटर बोलते हैं, जैसे जो हमारे ट्रैक्टर के अंदर कल्टीवेटर होता है उस तरह ये आपके लिए एक छोटा मिनी कल्टीवेटर बनाया है, और इसको आप अपनी जो आपकी ज़मीन है उसको खोदने के लिए प्रयोग कर सकते हो। प्लस आपके पार्क के अंदर अगर घास इकट्ठा हो गया तो पत्तियां इकट्ठी हुई है तो आप इससे उनको इकट्ठा कर सकते हो एक जगह पर, इसके लिए बहुत उपयुक्त ये माना गया है। इसके बाद अगर आप सीडलिंग करते हैं तो जिस प्रकार हमारा फोक ने काम किया था उसी प्रकार इससे तीन तीन लाइनें बनती जाएंगी और आप अपना उसके अंदर बीज डाल दीजिए, ये भी बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। तो अगर आप गार्डनिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, आपको गार्डनिंग पसंद है, तो आपके पास ये एक ही टूल किट आती है जो मैंने पहले बता दिया था, 250-250 रुपये मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इसके अंदर 5 टूल आते हैं, ये आपके पास अवश्य होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद बात आती है कटर की। दोस्तों इस प्रकार का कटर आपको मार्केट में आसानी से 100 रुपये में आपको मिल जाएगा। इस कटर से आप जो आपके पौधे हैं उसकी टहनियाँ काट सकते हैं, और कटिंग करने के लिए, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी अगर हम कटिंग करते हैं तो उनकी सुंदरता बढ़ती है, इसलिए इस प्रकार का कटर आपके पास होना आवश्यक है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद बात आती है वाटरिंग कैन की। जब भी आप कोई भी आपके गार्डन के अंदर पौधा लगाते हैं तो पानी देने की उसके अंदर आवश्यकता होती है। वाटरिंग कैन का बेनिफिट ये, पानी तो आप डिब्बे से भी डाल सकते हो या आप नाली से भी डायरेक्ट डाल सकते हो। इस प्रकार के वाटरिंग कैन का बेनिफिट ये है कि जब भी आप अपने पौधे के अंदर ऐसे पानी डालते हो तो जो आपका पौधा है इससे क्या होता है कि जो उसके ऊपर जो पत्ते के ऊपर धूल जम जाती है वो इससे बिल्कुल धुल जाती है। तो इस प्रकार का वाटरिंग कैन भी आपको परचेज करना चाहिए। अगर आप ये पारस का है, अगर आप लोकल कंपनी का लोगे तो आपको 150 रुपये के आसपास मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि जो हमारे गार्डनिंग टूल है किस प्रकार हमारे गार्डनिंग के लिए आवश्यक है, उनके क्या क्या नाम है और क्या क्या हमारे काम आते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आती हो, आपको वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो में आपको गार्डनिंग से संबंधित, पशुपालन से संबंधित और कृषि से संबंधित नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।